जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन हाल ही में उनकी जो संपत्ति का ब्यौरा सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है। महबूबा मुफ्ती के पास सोना चांदी या कोई गहना नहीं है, उनके पास एक वाहन है जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। उनके पास अनंतनाग की बिजबिहाड़ा में एक पैतृक मकान और जमीन है। लगभग 76 लाख रुपए की इमूवेबल और मूवेबल एसेट्स हैं। इसमें मूवेबल एसेट 40,70,000 की है। उन्होंने LIC की एक पॉलिसी भी ले रखी है जिसका ईयरली प्रीमियम 90,349 रुपीज है। LIC पॉलिसी और अलग अलग बैंकों में उनके नाम पर जमा FDR और अमाउंट के आधार पर उनके पास कुल 35,70,000 रुपए की धनराशि है। उनके पास इसुजु वाहन है जिसकी मौजूदा कीमत 5 लाख रुपए है। बिजबिहाड़ा में 5,000 वर्ग फीट में आवासीय मकान है। इसका बाजार मूल्य इस समय 35 लाख है और आपको बता दें ये उनका पुश्तैनी मकान है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घोषणा की है कि उनकी टैक्स इनकम FY 2018-19 में 8,63,928 रुपीज से लगभग 90% गिरकर FY 2019-20 में केवल 84,750 रुपीज हो गई। और ये वही साल है जिस साल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को रद्द किया गया था। इस बीच उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में उनकी आय बढ़कर 19,98,520 रुपीज हो गई थी। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 12,44,620 रुपीज और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 9,85,250 रुपीज। आपको बता दें कि 2019 में जब उन्होंने चुनाव पत्र भरा था तो उस समय उनके पास बिजबिहाड़ा में एक कनाल यानी करीब 600 वर्ग गज की गैर कृषि योग्य भूमि भी थी। और तो और इससे पहले 2014 में जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था उस समय उनके चुनावी पत्र के हिसाब से उनके पास 90 ग्राम सोना भी था जो इस बार के चुनाव पत्र में नहीं दिखा। महबूबा के इस चुनाव पत्र पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।